Hey guys, I am Amma and welcome back to my YouTube channel. So in today's video, I'm gonna review a super cool product, and that is this Weed Sensitive Touch Electric Trimmer. So without any further delay, let's get started. Subscribe to my YouTube channel to watch all the latest videos and make sure you have click on the bell icon so that you will never miss any update. So guys, अभी कुछ दिन पहले मैंने मेरे चैनल पे एक वीडियो शेयर किया था दैट हाउ टू शेव योर फेस विथ फेशियल रेजर, एंड उसके बाद में आपकी रिक्वेस्ट आई बिकॉज फेशियल रेजर बहुत सारे लोग यूज़ नहीं कर पाते, स्पेशली बिगनर्स जिनको थोड़ा डर लगता है यूज़ करने में. एंड उन्होंने मुझे बोला कि ऐसा कोई प्रोडक्ट जो बहुत ईजी हो यूज़ करना एंड जिससे कट एंड ऑल लगने का भी डर नहीं हो, और मैं उस प्रोडक्ट का रिव्यू आपके साथ में शेयर करूं. सभी के लेकर आई हूं एक अमेजिंग सा प्रोडक्ट. और वैसे तो ये प्रोडक्ट 2 साल पहले लॉन्च हुआ था एंड आप में से बहुत सारे लोग इसे ऑलरेडी यूज़ कर रहे होंगे, बट ये बहुत अमेजिंग है एंड इसमें किसी भी तरीके का कट एंड ऑल लगने वाली जो प्रॉब्लम होती है ना वो इसमें नहीं होती. इसे यूज़ करना बहुत ईजी है. मुझे भी पहले ऐसा लगता था कि इसे किस तरीके से हम यूज़ कर सकते हैं अपने फेस के जो अनवांटेड हेयर होते हैं ना उसे रिमूव करने के लिए, या फिर अपनी एरिया के हेयर को रिमूव करने के लिए. एंड जब से ये प्रोडक्ट लॉन्च हुआ ना तब से मैं सोच रही थी कि इसे परचेज करूँ, बट आज तक नहीं ले पाई थी. फाइनली मैंने ले लिया लॉकडाउन में एंड आज मैं इसी का रिव्यू आपको दिखाने वाली हूँ. सो ये है इस प्रोडक्ट की पैकेजिंग. बेसिक डिटेल्स मैं आपको बता देती हूँ. इसकी ये पैकेजिंग है बहुत ही अच्छी सी पिंक कलर की पैकेजिंग है. सो इस तरीके के बॉक्स में आपको रिसीव होता है. प्रोडक्ट बहुत लाइट वेट है पैकेजिंग के साथ में भी मैं आपको बता रही हूँ. सो इसे आप मल्टीपल वे में यूज़ कर सकते हो. अब मैं इसे ओपन करके आपको बताती हूँ. पहले मैं आपको इसका प्राइस वगैरह बता देती हूँ. सो जो इसकी ओरिजिनल प्राइस है वो है 2,250 रुपीज़. 2,250 रुपये इसकी ओरिजिनल प्राइस है, बट ये डिस्काउंट में आपको मिलता है 1,500 to 1,600 रुपीज़ के आसपास ही आपको मिल जाता है. मुझे 1,600 में रिसीव हुआ था विद टैक्सेस एंड ऑल. इस तरीके से ये है इसका प्रोडक्ट और ये इस तरीके की पैकेजिंग में आता है. ये सिलिकॉन पाउच में रिसीव होता है आपको. तो ये पाउच है ना वो भी बहुत अच्छा सा है, सॉफ्ट सा फिनिश है इस पाउच की भी. सो इससे मैं खोल के बताती हूँ. तो ये जो पाउच है ना इसका बड़ा अच्छा यूज़ है इसमें कि अगर आप कहीं ट्रैवल कर रहे हो ना तो आप इस पाउच में इस स्टफ़ को, इस प्रोडक्ट को रख करके कैरी भी कर सकते हो अपने बैग में, हैंड बैग में या फिर कोई भी और बैग जो भी आप कैरी कर रहे हो. तो ट्रैवलिंग के टाइम पर भी आप इसे कैरी कर सकते हो. बहुत ही अच्छा प्रोडक्ट है, लाइट वेट प्रोडक्ट है. तो इसे मैं ओपन करके आपको बताती हूँ ना. इसके अंदर आपको मिलता है, सबसे पहले तो मैं बताती हूँ, ये यूज़र मैनुअल है. यहाँ पर आपको सारी डिटेल्स मिलेंगी इस तरीके से आपको इस यूज़ करना है, इसे असेंबल करना है, देन उसके बाद से क्लीनिंग प्रोसीजर क्या है वो सब आपको यहाँ पर रिटर्न मिलेंगे. सो इसे देखिएगा, मत ध्यान से रखिएगा. इसके बाद जो मेन हमारा मशीन है वो है ये ट्रिमर. इस ट्रिमर में ये है एक अटैचमेंट, जो फर्स्ट अटैचमेंट है जो स्पेशली आईब्रोज के लिए बनाया गया, आईब्रोज ट्रिम करने के लिए, इंसर्ट करने के लिए बनाया गया है. तो ये है फर्स्ट अटैचमेंट एंड ये मूवेबल भी है, ये मूव भी करता है, इसे आप मूव करके रख सकते हो. इसमें 2 टाइप ऑफ ब्लेड लगी हुई है, फर्स्ट जो छोटी वाली है, सेकेंड जो बड़ी वाली है. तो इस तरीके की 2 ब्लेड्स दी हुई हैं. तो अपने हिसाब से, अपने यूज़ के हिसाब से आप इसका इस्तेमाल कर सकते हैं. बहुत ईजी है. मैं आपको अपनी डेमो में दिखाऊंगी कि इस तरीके से मैंने यूज़ किया है ना. अब जो देख रहे हो ना आप आईब्रो, मैंने इसी ट्रिमर से मेरी आईब्रोज हैं. तो अगर आप लोग डेमो चाहते हो इस ट्रिमर से किस तरीके से आप आईब्रोज बना सकते हैं या फिर फेशियल हेयर, अनवांटेड हेयर को रिमूव कर सकते हैं, तो मैं इसका डेमो भी आपको अपकमिंग वीडियो में शेयर करूंगी. रिक्वेस्ट आप मुझे इस वीडियो के कॉमेंट बॉक्स में कर सकते हैं. सो इसके साथ में आपको मिलता है एक ये दूसरा अटैचमेंट. ये दूसरा अटैचमेंट है जो आपको इसके साथ में मिलता है. तो इससे आप आपके जो ये जॉ लाइन पे जो हेयर्स आते हैं ना इसे आप रिमूव कर सकते हैं. देन अंडर आर्म्स पे जो आपके हेयर आते हैं, अनवांटेड हेयर एंड बिकनी एरिया में जो आपके अनवांटेड हेयर होते हैं उसे आप इस अटैचमेंट की मदद से रिमूव कर सकते हैं. और इसके साथ में ही मिलता है ये 2 टाइप्स ऑफ कॉम रिसीव होती है जिसका आप यूज़ कर सकते हो इन अटैचमेंट्स के ऊपर लगा करके. तो ये वाले जो 2 कॉम आप देख रहे हो ये अटैचमेंट है इसके लिए एंड ये वाले ट्रिमर के लिए, ट्रिमर ब्लेड के लिए. तो इसमें 2 टाइप की आपको कॉम मिलती है. 1 is for 4 mm लेंथ के हेयर के लिए एंड 2nd 1 is 6 mm लेंथ हेयर के लिए है. तो इसके ऊपर आप प्लेस करके इसका यूज़ कर सकते हैं. तो इस तरीके से आप इसे प्लेस कर सकते हो, जैसे ये प्लेस हो गया. एंड इसको आपको रिवर्स, जिस साइड में आपकी हेयर की ग्रोथ आती है उससे जस्ट रिवर्स साइड में आपको इसे यूज़ करना. सपोज़ मेरे हेयर की ग्रोथ इस साइड में, तो मैं इसे इस तरीके से यूज़ करूँगी. तो वो प्रेस करके हल्का सा आपको बहुत स्मूथली इसे यूज़ करना है एंड आप देखोगे कि आप इस सारे हेयर रिमूव हो जाएंगे. देन उसके बाद में ये वाला जो अटैचमेंट है ना
ये भी एक कॉम्ब है और ये आपको इस वाली ब्लेड के लिए, इस वाले अटैचमेंट के लिए मिलता है, जो इसे इस तरीके से लगा सकते हैं, इस तरीके से फिक्स कर सकते हैं। उसके बाद में आप इसे बेसिकली अपनी आईब्रोज को कॉम करने के लिए एंड फिनिश लुक देने के लिए आप इसे यूज़ कर सकते हो कुछ इस तरीके से। इसे मैं रिमूव करती हूँ ना। इस वाले ट्रिमर के लिए आपको यहाँ से जो बैटरी वगैरह होती है वो यहाँ से आप लगा सकते हैं बैटरी, और इसमें एल्कलाइन की डबल ए बैटरी मिलती है। ये बैटरी इसके साथ में रिसीव होती है। इस तरीके से इस बैटरी को यहाँ पर आप ऐसे लगा सकते हैं। एंड देन इसके बाद में यहाँ पर दिया हुआ है ये लॉक, ये लॉक को ध्यान में रखते हुए ही आपको इसे ऐसे बंद करना। तो ये लॉक हो गया है और यहाँ पर दी हुई है इसकी स्विच ऑन बटन, तो यहाँ से आप इसे स्टार्ट कर सकते हैं। तो आप देख सकते हो ये स्टार्ट हो गया है। अंदर के बाद आप इसे यूज कर सकते हो कुछ इस तरीके से, आप इसे यूज कर सकते हो। अभी यहाँ पर विजिबल नहीं है क्योंकि मैंने ऑलरेडी इसे यूज कर लिया है, हेयर रिमूव कर चुकी हूँ, बट मैं अभी नेक्स्ट आपको डेमो में दिखाती हूँ कि किस तरीके से आप इसे यूज कर सकते हैं। और इसे लगाना बहुत ईजी, मैं लगा के भी आपको दिखाती हूँ जो अटैचमेंट था। इसे लगाना बहुत ईजी है, इस तरीके से आप इसे ओपन करके लगा सकते हैं। ये आप देख सकते हो मैंने इसे डिटैच कर दिया है। मैं दूसरा अटैचमेंट लगा करके आपको बताती हूँ। सो ये वाला अटैचमेंट जो है इसे आप इस तरीके से लगा के यू फिक्स कर सकते हो। तो इधर आप देख सकते हो कि ये फिक्स हो गया, लग गया है। एंड इट इज़ सो ईजी टू फिक्स एन असेंबल यार। पहले मुझे लगा था कि इसे कितना डिफिकल्ट होगा यूज़ करना एंड असेंबल करना एंड ऑपरेट करना, बट इसे बहुत ईजीली आप ऑपरेट कर सकते हो। इन सभी स्टफ के साथ में आपको मिलता है एक क्लीनिंग ब्रश। ये है क्लीनिंग ब्रश जो आपको इन सारे प्रोडक्ट्स के साथ में मिलता है। एंड इससे आप जो ट्रिमर की जो ब्लेड्स होती है ना उससे आप क्लीन कर सकते हो, कॉम क्लीन कर सकते हो। और आप चाहो तो आपके जो एक्स्ट्रा हेयर ट्रिमिंग के बाद आपको फेस पे दिखेंगे उससे भी आप कॉम करके रिमूव कर सकते हो स्केल से, अगर आप चाहो तो कर सकते हो। तो ये है बेसिक चीज़ें जो इस ट्रिमर के बारे में थी जो कि आपको जानना चाहिए था ना। इस ट्रिमर को आप वेट एंड ड्राई दोनों फॉर्म में यूज़ कर सकते हो। आपको स्किन पे किसी भी तरीके का लोशन या फिर शेविंग फोम वगैरह लगाने की जरूरत नहीं है, डायरेक्ट ड्राई स्किन पे यूज़ कर सकते हो। बट अगर आप शावर ले रहे हो एंड आप वेट स्किन पे इसे यूज़ करना चाहते हो तो आप इन शावर भी आप इस ट्रिमर पे यूज़ कर सकते हो। कम्प्लीटली वाटर प्रूफ है, तो इस तरीके से आप इसे यूज़ कर सकते हैं। ऑल्सो इसे मेंटेन किस तरीके से करके रखना है, तो अगर आपने यूज़ करने के बाद में उसके ब्लेड्स क्लीन कर दी हैं एंड अगर बहुत ज़्यादा डर्टी हो रही है ब्लेड्स, उसको आप वॉश भी कर सकते हो, ड्राई करके रख सकते हो। एंड बीच बीच में उसे आप ग्रीस करते रहोगे तो काफ़ी टाइम तक ये मशीन वर्क करती रहेगी। तो जहाँ से मैंने आपको दिखाया कि ये अटैचमेंट जो था, तो यहीं पर आपको इसे ग्रीस करना। अगर आप ओपन करोगे तो यहाँ पर आपको थोड़ा सा ऑयल एंड ग्रीजनेस थोड़ी सी दिखेगी, तो इसी तरीके से आपको इसे ग्रीस भी करना है, ऑयल करके इसे रखना है। कोई भी मशीन को अगर आप ग्रीस करते रहते हो प्रॉपरली तो वो काफ़ी टाइम तक आपका साथ देती हो, तो बिल्कुल वही चीज़ इसके साथ में भी है। तो इस तरीके से आप इसे लॉन्ग ड्यूरेशन तक यूज़ कर सकते हो। सो ये है वीट सेंसिटिव टच इलेक्ट्रिक ट्रिमर और बहुत ही खूबसूरत सा ये पैक है। ये मेन मशीन है, मेन ट्रिमर है। यहाँ से इसकी बैटरी आप अटैच कर सकते हो। ये स्विच ऑन बटन है जहाँ से इसे स्टार्ट करके यूज़ किया जा सकता है। ऑल्सो इसके साथ में मिले हैं ये सारे अटैचमेंट्स। सो अब आइए देख लेते हैं किस तरीके से आप इस ट्रिमर को यूज़ कर सकते हो। इसे यूज़ करना बहुत आसान है, सिर्फ आपको ध्यान में रखना है कि जिस साइड से आपकी ग्रोथ आ रही है हेयर की, आपको जस्ट उसके रिवर्स साइड में, उल्टी साइड में ही इस ट्रिमर का यूज़ करना है, बहुत ही इजीली थोड़ा प्रेस करते हुए, एंड दैट्स इट। तो ये हैं थोड़े से हार्श हेयर जो पैरों पे मैं रिमूव करके आपको बता रही हूँ, और कुछ इसी तरीके से आपको ये ट्रिमर यूज़ करना है आपकी बिकनी एरिया पे एंड अंडर आर्म्स पे। सो टू बी वेरी ऑनेस्ट, जहां पर आपको हार्श हेयर है वहां रिमूविंग के बाद आपको थोड़ा सा पॉइंटी सेंसेशन फील होगा। फेशियल हेयर यानी कि हमारे चेहरे के हेयर जो होते हैं, जो ग्रोथ होती है वो थोड़ी सॉफ्ट होती है, तो आप इसको इस तरीके से यूज कर सकते हैं और बहुत इजीली रिमूव हो जाते हैं आपके जो फेशियल अनवांटेड हेयर होते हैं। और ठीक इसी तरीके से आपको इसे आईब्रोज पर भी यूज करना है, सो बहुत इजीली आप इसे यूज कर सकते हैं। आप देख सकते हो किस तरीके से हेयर इसके रिमूव हो गए एंड ब्लेड पर आके दिख रहे हैं। सो गाइस दिस इज इट एंड दिस वाज ऑल अबाउट टुडेस टॉपिक, एंड आई होप आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगा होगा एंड पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक दे दीजिएगा, और अगर आपने हमारे चैनल पे अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल पे जाके जो रेड सब्सक्राइब बटन है ना वहाँ पे क्लिक कर दीजिएगा। ऑल्सो साथ में लगे बेल आइकन को क्लिक करना मत भूलिएगा, जिससे हमारे सारे लेटेस्ट अपडेट्स आप तक पहुँचते रहेंगे टाइम पे। ऑल्सो अगर आपने हमें अभी तक इंस्टाग्राम पर फॉलो नहीं किया है, हमारा इंस्टाग्राम हैंडल है abhajaiswal29, आप अभी जाकर के हमें फॉलो कर सकते हैं सारे लेटेस्ट अपडेट सबसे पहले देखने के लिए। सो गाइस दिस इज इट एंड मैं मिलती हूँ आपसे मेरे नेक्स्ट वीडियो में नए टॉपिक के साथ। टिल देन कीप वाचिंग आवर वीडियोस, स्टे हैप्पी एंड बाय।